2002 के पोस्ट गोधरा दंगे हुए और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से भेजे गए क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट ऑपरेटिव जो थे, उन्होंने जो आतंकवादी कार्यवाही गुजरात के अंदर की और उसके संदर्भ में गुजरात पुलिस ने जो भी काम किया, केसेस रजिस्टर किए, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किए, कहीं ना कहीं एनकाउंटर्स भी हुए, जो भी कार्यवाही गुजरात पुलिस ने उस वक्त की थी वो सब की सब कार्यवाही जेन्युइन थी, कानूनन थी, उसमें कोई गलत नहीं था। ये बाद में पूरा का पूरा एज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, एक्स्ट्रा लीगल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत ये जो जेन्युइन कार्यवाही देश के हित में पुलिस ने की थी उसको झूठी करार देके गलत ऑफेंसेस गुना हमारे अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए और उसके अंतर्गत हम लोगों को 8-8 साल तक जेल में रहना पड़ा। और अभी जो भी कुछ हो रहा है, जो भी चीजें बाहर आ रही है, ये सब चीजें बता रही है कि हम पहले से जो भी कुछ कहते थे वो सच कहते थे। और हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए गए और कहा गया कि ये फेक एनकाउंटर थे, तो वो बात सही नहीं थी। जिन्हें एनकाउंटर थे वो बात अभी स्पष्ट होती जा रही है। पहले हेडली ने बताया, हेडली ने जो भी बताया चाहे वो एक्यूज्ड है लेकिन फिर भी ओपन कोर्ट में ऑन ओथ उसने बताया है, तो जो भी उसने जो बताया है वो कानूनन स्वीकृत है, कानून के अंतर्गत उसकी जो गवाही है वो स्वीकृत है। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने जो भी कुछ बताया है आईबी के ऑफिसर ने, तो उसके पास भी पूरे फैक्ट्स है। और जीके पिल्लई होम सेक्रेटरी साहब, उन्होंने जो भी कुछ बताया है, ही वॉज एट द हैम्स ऑफ द अफेयर्स होम डिपार्टमेंट के। और बाद में मिस्टर मनी ने जो बताया है वो अंडर सेक्रेटरी थे और उन्होंने एफिडेविट वगैरह बनाया था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इतने बड़े अधिकारियों के ओर से आ रही है, दीज आर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हॉर्सेज माउथ।